डायरेक्शंस ऑफ डीजीसा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक कॉन्टैक्टलेस ट्रैफिक सिस्टम. इसका ये मतलब है कि जो इंटरफेस है लोगों के साथ वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. उसी में एक पहला इनिशिएटिव हमने अडॉप्ट किया है जो है वन नेशन वन चलान ऐप. ये जो ऐप है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है, जिसे यहाँ NIC हमारे लिए फंक्शनल कर रही है. इस ऐप के अंतर्गत जो भी ई चलान आते हैं वो डायरेक्टली आफ्टर 90 डेज अगर नॉन पेमेंट ऑफ दोज ई चलान रहेगा तो वो डायरेक्टली आपके ई कोर्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा. इसका मतलब 90 दिन के बाद ये कोर्ट केस बन जाएगा एंड ये डायरेक्टली कोर्ट में चले जाएगा. ये मुझे लगता है एक नया इनिशिएटिव है जिससे जो हम लोग एक फेसलेस ट्रैफिक सिस्टम, एक कॉन्टैक्टलेस ट्रैफिक सिस्टम के तरफ जो बढ़ रहे हैं उसका ये पहला कदम है. मैं ये सोचना चाहूंगी कि पहले जो अनपेड ई चलान का इतना प्रॉब्लम हुआ करता था और पेमेंट में बहुत इश्यू आता था, तो अब 90 दिन के बाद उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इंटरनेट बैंकिंग अपने ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स की मदद से या ऑफलाइन कैश पेमेंट करके किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वो जो उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन किया है उसकी पेनल्टी पे कर सकते हैं. अगर वो नहीं करते हैं विद इन 90 डेज तो वो डायरेक्टली फिर उन्हें कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा. तो इससे जो वायलेशंस का जो एक रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा बिकॉज उनको अब वो पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज 90 डेज के बाद उन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होना.